वाल्मीकि सभा सरसावा के बैनर तले प्रधान अशोक मट्टू के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक 3 सूत्रीय ज्ञापन थाना अध्यक्ष अशोक सोलंकी को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान वाल्मीकि समाज के गोपाल घाबरी पूर्व चेयरमैन व डॉक्टर दिनेश कल्याण प्रदेश महामंत्री भावधस ने न्याय की गुहार लगाते हुए मांग की कि किसी मामले में हरियाणा राज्य के यमुनानगर जेल में बंद वाल्मीकि समाज के रमन वाल्मीकि की लोकअप में बंद होने के बावजूद हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हत्या का जिम्मेदार जेल अधीक्षक, चिकित्सा स्टाफ और वहां का प्रशासन है। उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि शीघ्र ही हत्या के जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो लॉकडाउन के तुरंत बाद पूरे देश का वाल्मीकि समाज न्याय की गुहार को एक बड़े आंदोलन में बदल देगा। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान मंगत राम बोहत, पंकज मट्टू, गौरव पुहाल, सन्नी लोहट सहित वाल्मीकि समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट भगवत मेहरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कल्याण है जी। किस विषय में आपने ज्ञापन सौंपा? ये हरियाणा में रमन वाल्मीकि की जेल के अंदर हत्या कर दी गई है, उसके विषय में हम यहाँ हमारे सरसावा के थाना अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया है, वो राष्ट्रपति को उसको प्रेषित है। हम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि इस कार्य की जितना भी ये घटना घटी है, इस घटना की CBI से जांच कराई जाए और जितने भी दोषी हैं उनको बख्शाना जाए, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो और रमन वाल्मीकि को और उसके परिवार के लोगों को इंसाफ मिले। और हम एक बात और कह देना चाहते हैं कि ये मार्शल कौम है, ये वाल्मीकि समाज है, इसको हल्के में ना लें। ये वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई को लड़ना जानता है और हम लॉकडाउन के बाद अगर इसमें पुलिस प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से हमें कोई न्याय नहीं मिलता है, उस न्याय के को लेने के लिए हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लॉकडाउन के बाद हम सब लोग हरियाणा में जा करके इसके खिलाफ एक आंदोलन तैयार करेंगे।